अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनिमल टिशू। सबसे पहले समझते हैं टिशू का डिफिनेशन। टिशू होता क्या है? ए ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर फंक्शन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन। कोशिका का समूह जिसमें समान फंक्शन हो, संरचना हो और ओरिजिन हो। अगर स्ट्रक्चर और फंक्शन समान नहीं है तो ओरिजिन मस्ट बी सेम, मतलब जो उत्पत्ति है वो सेम होगा। जो उत्पत्ति है टिश्यू का वो सेम होगा, मतलब कोशिका का समूह है। टिश्यू कैसे बनता है? कोशिका का समूह जिसमें सिमिलर फंक्शन हो, स्ट्रक्चर हो एंड ओरिजिन हो। दोस अगर सेम नहीं है स्ट्रक्चर और फंक्शन, लेकिन ओरिजिन जो होगा सेल का वो सेम होगा। इसे कहने का मतलब ये है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, तो हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। ब्लड क्या हो गया? टिश्यू। और उसके टाइप क्या हो गए? सेल, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट है। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है? राउंड और बाई करके। इसका एमोबॉइड, मतलब इसका WBC का स्ट्रक्चर कोई फिक्स नहीं है। और प्लेटलेट्स लेंस शेप। तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और फंक्शन, RBC का फंक्शन क्या है? गैसेस एक्सचेंज। और WBC का इम्यूनिटी, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ये शो करता है। और प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। अब ओरिजिन इसका देखते हैं। ओरिजिन सबका सेम होगा, क्या होगा? रेड बोन मैरो। ओके, सबका ओरिजिन क्या होगा? सेम होगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि ग्रुप ऑफ सेल होना चाहिए सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन ना हो, लेकिन ओरिजिन बिल्कुल सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ आपको एग्जांपल से पता चल गया होगा। ओके, हम लोग आगे बढ़े। वर्ड एनिमल टिश्यू किसने दिया था? बाइकेट साहब ने। और प्लांट टिश्यू में किसने दिया था? ग्रीव। और स्टडी ऑफ टिश्यू क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। ओके, और स्टडी ऑफ टिश्यू क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। ये टर्म हिस्टोलॉजी किसने दिया था? मेयर साहब ने। तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन हुए? बाइकेट। ओके, क्लासिफिकेशन से पहले हम लोग देख लेते हैं कि ओरिजिन ऑफ टिश्यू की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उत्पत्ति कैसे हुई? एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में। ओके, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट मतलब भ्रूण में होता है किसी भी जीव के। तो जैसे पहले स्पर्म और ओवम मिले। ओके, फर्टिलाइजेशन हुआ। क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ। क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ। तो उसमें बने जाइगोट। जाइगोट के बाद ये बहुत सारे स्टेज होते हैं, मोरूला, ब्लास्टूला। ओके, उसके बाद गैस्ट्रूला। इसके बाद बने, गैस्ट्रूला के बाद बनेगा इक्टोडर्म, मेजोडर्म, ये सब जर्म लेयर है। ओके, इंडोडर्म। इसके बाद बनेगा सेल, सेल के बाद बनेगा टिश्यू। ओके, और टिश्यू के बाद जितने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे, जैसे टिश्यू के बाद बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद बनेगा ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ऐसे टिश्यू की ओरिजिन होती है, उत्पत्ति होती है। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट है कोई भी जीव के एम्ब्रायो में। यहाँ स्पर्म और ओवम के जगह, जैसे हम लोग में स्पर्म ओवम होता है, तो उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ये साइन है फीमेल गैमेट का और ये है
मेल गैमेट का, ओके। इसमें बोलते हैं टू सेलेस्टेज, इसको 4, 8, 16, ऐसे करते करते ये बढ़ते जाते, ओके। ये हो गया जाइगोट, टू सेलेस्टेज होता है, मोरूला 4 से 8 सेल, ये 16, ये 32, ओके, ये 8 हो गया। ब्लास्टुला पर 32 आ जाएगा, इसी में 16 होता है, और यहाँ पे 64। उसके बाद बनेगा जर्म लेयर, जर्म के बाद सेल बनेगा, ऐसे उत्पत्ति होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। अगर यूनिसेलुलर है तो यहाँ तक रुक जाएगा, अगर यूनिसेलुलर के बाद अगर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम है तो यहाँ तक रुकेगा, अगर अगर हम लोग का है यहाँ सबसे लास्ट में रुकेगा, ओके। तो ऐसे उत्पत्ति किसी भी चीज़ की होती है, जैसे टिश्यू का यहाँ तक रुकेगा, अगर ऑर्गेनिज्म का देखेंगे तो ऐसे बनेगा। तो शुरुआत कैसे होती है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट से। जैसे हम लोग में देख लीजिए, स्पर्म मेल से निकलेगा स्पर्म, और फीमेल से ओवम, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन पर आएंगे, यहाँ थोड़ा स्पेस कमी है इसीलिए यहाँ बताएं, अगर नहीं समझ में आएगा तो अगले वीडियो में आप बोलिएगा तो डिटेल में समझा देंगे, ओके। अभी हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे टिशू 4 प्रकार के होते हैं, इपिथेलियल टिशू, क्रोनिक टिशू, मस्कुलर टिशू, नर्वस टिशू। इपिथेलियल टिशू क्या करता है, इसका फंक्शन देख लेते हैं, प्रोटेक्शन एंड कवरिंग, ये कोई भी चीज़ को प्रोटेक्शन पहुंचाता है और कवरिंग ढकने का काम करता है। कनेक्टिव टिशू, इसके नाम से ही पता चल रहा है, किसी चीज़ को ये कनेक्ट करेगा यानी लिंक करेगा, कनेक्ट अदर्स, ओके, कनेक्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट जैसे हमने पहले बताया था, अभी एग्जांपल में ब्लड, ब्लड क्या करता है, आरबीसी ट्रांसपोर्ट करता है ना, गैसेस एक्सचेंज करता है, ओके। मस्कुलर टिश्यू क्या करेगा, नाम से पता चल रहा है, मसल्स क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा और मूवमेंट में मदद करेगा, लोकोमोशन, ओके। नर्वस टिश्यू क्या करता है, जनरेट करता है इम्पल्स, जनरेशन और कंडक्ट भी करता है इम्पल्स को, ओके। जैसे आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्स एक्शन, जो अचानक होता है, जो क्या बोलते हैं, अचानक होता है, रिफ्लेक्स एक्शन अचानक होता है, हमारे सोच से सोचने पर नहीं होता है, पहले ही हो जाता है ये सब काम। जैसे मान लीजिए रिफ्लेक्स एक्शन का, जैसे मान लीजिए आप सोए हुए हैं, आपको हॉट ऑब्जेक्ट को टच कराया जाए तो आप तुरंत खड़े हो जाइएगा, वहाँ से हाथ हाथ हटा लीजिएगा, तो उसी को बोलते हैं इमीडिएट एक्शन, क्या बोलते हैं, इमीडिएट एक्शन, अनकॉन्शियस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, आगे बढ़ें। इपिथेलियल टिशू, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, ईपी और थिलिया, तो ईपी मतलब होता है अपॉन और थिलिया मतलब होता है ग्रोथ, तो किसी दूसरे टिश्यू पे ग्रो करता है, किसी दूसरे टिश्यू पे ग्रो करता है, तो ग्रोथ ऑन अदर टिश्यू, ओके। तो दूसरे टिश्यू पे ग्रो करता है, वो कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, ओके। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस, जो सेल के बीच में स्पेस होता है, इसमें बहुत ही कम होता है, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम होता है या अब्सेंट होता है, इसीलिए इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है, ब्लड सप्लाई नहीं होता है, ओके। इसीलिए ये न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन के लिए दूसरे टिश्यू पर ग्रो करता है, ग्रो ऑन अदर टिश्यू, ओके। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। इपिथेलियल टिश्यू 2 तरह के होते हैं, सिंपल
और दूसरा कंपाउंड। सिंपल में क्या होगा, सिंगल लेयर होगा और यूनिफॉर्म होगा, मतलब एक समान से होगा, जैसे इस तरह का होगा। ओके, और जैसे ही बोलेंगे कंपाउंड तो बहुत सारे लेयर होंगे, एक से अधिक लेयर, आपको दिख रहा होगा। ध्यान से देखते जाइए, अगर ध्यान से सुनिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम से पढ़ने से पहले एक और एक डायग्राम बना लेते हैं एपिथेलियम टिश्यू का। ओके, ये एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम है और नीचे है बेसमेंट मेम्ब्रेन। आपने सुना होगा बेसमेंट, जिसे फ्लोर में सबसे नीचे होता है बेसमेंट, उसी तरह से ये बेसमेंट है। बेसमेंट मेम्ब्रेन सभी एपिथेलियल टिश्यू में होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन सभी एपिथेलियल टिश्यू में होते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम को छोड़कर सभी में होते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। ओके, इसमें एब्सेंट होता है, बाकी सब में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए मैट्रिक्स है, और ये जो यहाँ पे है, ये जो है मैट्रिक्स है, और ये सेल है, और ये ब्लड वेसल्स है जिसको न्यूट्रिशन दे रहा है और इसको जिंदा भी रख रहा है। ओके, बेसमेंट मेम्ब्रेन किससे बना होता है, एक होता है बेसल लेमिना। ओके, और दूसरा होता है फाइब्रस लेमिना, ये बस याद रखिएगा आप। ओके, और एक होता है एनिमल सीमेंट। एनिमल सीमेंट मतलब जो दो सेल को जोड़ने का काम करता है उसको बोलते हैं, उसका नाम है हाइलुरोनिक एसिड। उसका नाम क्या है, हाइलुरोनिक एसिड, ये आप याद रखिएगा। दो सेल को जोड़ने का काम कौन करता है एनिमल में, हाइलुरोनिक एसिड। ओके, सिंपल एपिथेलियम के तीन टाइप है, कितने टाइप है, तीन टाइप। ओके, कौन कौन, स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। ओके, हमको पता है आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जैसे मान लीजिए बॉडी का, समझ लीजिए जो पढ़ रहे हैं बॉडी का ऑर्गन है, तो अगर एक भी बॉडी का पार्ट खराब हो गया तो पूरे बॉडी सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए सब चैप्टर पढ़ना जरूरी है। ओके, स्क्वामस एपिथेलियम हमने सिंपल एपिथेलियम बोल दिया है, तो इसका मतलब सब में सिंगल लेयर होगा, ये तो कॉमन रहेगा। सिंगल लेयर, थिन फ्लैटेंड। ओके, थिन फ्लैटेंड विथ इररेगुलर बाउंड्री, मतलब इसका बाउंड्री फिक्स नहीं रहेगा। ओके, ये किस में पाया जाएगा, इसका एग्जांपल याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख देते हैं, इसके बाद आगे क्यूबॉइडल और कॉलमनर देख लेंगे। इसका एग्जांपल किस में पाया जाएगा, वॉल ऑफ ब्लड वेसल। ओके, और दूसरा एयर सैक ऑफ लंग्स। ओके, अब हम लोग क्यूबॉइडल देखेंगे। क्यूबॉइडल भी सिंगल लेयर होगा और क्यूब लाइक सेल होगा। कैसा होगा, क्यूब लाइक
सेल होगा। ओके, इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। आपको ग्लैंड से पता चल रहा होगा कि ये सिक्रीशन करेगा या एब्जॉर्प्शन करेगा। और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ये किस में होता है? किडनी में। किस में होता है? किडनी में। ये क्या करेगा? इसका मेन काम क्या है? क्यूबॉइडल सेल का सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कॉलमनर सेल देखते हैं। कॉलमनर एपिथेलिया में भी सिंगल लेयर होगा और इसके कॉलमनर एपिथेलियम के टॉल एंड सिलेंडर सेल होंगे और जिसका न्यूक्लियस जो होगा बेस में होगा। इसका एग्जांपल क्या है? लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइनिंग और इंटेस्टाइन और स्टमक का लाइनिंग रहेगा। ये फंक्शन क्या है? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। कुछ जैसे कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे क्या हो? क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे क्या हो? सिलिया हो, तो उसको बोलेंगे सिलिया हो तो क्या करें? उसको बोलेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिया कहाँ होगा? जहाँ फ्री सरफेस होगा, कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल पे। ओके, वो सिलिया क्या करता है? किसी भी पार्टिकल को मूव कराता है स्पेसिफिक डायरेक्शन में, मतलब किसी खास डायरेक्शन में। ओके, जैसे ब्रोंकियोल और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब में। ओके, यहाँ तक हो गया सिंपल एपिथेलियम कंप्लीट। क्यूबॉइडल और कॉलमनर में और कुछ है जो स्पेशल है? क्यूबॉइडल और कॉलमनर में जो स्पेशल है वो क्या करते हैं? उसको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये किस में है? कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल में। इसमें एक की बाकी है जो इम्पोर्टेंट भी है। ओके, लेकिन ये 11th। ओके, इसमें एक है यूनिसेलुलर ग्लैंड। ये किस में पाया जाता है? गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ओके, और एक मल्टीसेलुलर है। मल्टीसेलुलर किस में पाया जाता है? सलेबरी ग्लैंड में। किस में पाया जाता है? सलेबरी ग्लैंड में। ओके, और ग्लैंड्स को दो टाइप में बांटते हैं, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। इंडोक्राइन में डक्ट नहीं होता है, इसको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। ओके, और एक्सोक्राइन में ग्लैंड होता है। जो एक्सोक्राइन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? ईयर वैक्स, म्यूकस, सलाइवा, ये एग्जांपल हो जाएगा। मिल्क, ये सब एग्जांपल हो जाएगा। और डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सब किसका एग्जांपल है? एक्सोक्राइन का। ओके, और कंपाउंड में क्या होगा? एपिथेलियम में एक से अधिक लेयर होगा, कंपाउंड एपिथेलियम, मोर देन सिंगल लेयर। सिंगल लेयर से अधिक होगा, मतलब एक से अधिक लेयर होगा इसमें। इसका मेन फंक्शन क्या है? केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस। ओके, और ये कवर करता है ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, स्किन के ड्राई सरफेस पे।
कंपाउंड इपिथिलियम कहाँ पाया जाएगा? फेरिंग्स में, बॉकल कैविटी में, और इनर लाइनिंग ऑफ सलेवरी ग्लैंड का और पेनक्रियाटिक डक्ट का। इसके बाद हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।